बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 14, सर्वे सैंपलिंग एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बुक वन में मैंने आपको बता दिया था कि पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है। पॉपुलेशन क्या होती है? टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड और ऑल ऑफ द एक्सपोजर सब कॉमन करेंसी, यानी किसी एक कॉमन करेंसी के बेस पे आप जो टोटलिटी डाटा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी का सारे स्टूडेंट्स आपकी पॉपुलेशन हो सकता है, आपकी क्लास पॉपुलेशन हो सकता है, आपका एक मेजर पॉपुलेशन हो सकता है। इस तरह से एक किसी एक करेक्टरिस्टिक के बेस पे आप जो है वो पॉपुलेशन डिसाइड कर लेते हैं, और उसका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है पॉपुलेशन का। ये भी आपको पता है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है सैंपलिंग क्या होता है। सैंपलिंग बेसिकली वो प्रोसीजर है। सैंपलिंग इज द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है सैंपलिंग क्या है। सैंपलिंग इज अ पार्ट ऑफ सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है, यहाँ से इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि है कि यहाँ पर उन्होंने सैम्पलिंग की डेफिनेशन दी है। सैम्पलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। आप चाहे तो ये यूज़ कर लें, चाहे जो मैंने आपको बोली है वो कर लें, दोनों से कोई भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, लर्न सैम्पलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच इज़ यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड in order to collect information and on the basis of this information inferences about the characteristic of population are made. अब ये तो आपको पता है कि सैम्पलिंग बेसिकली जो हम पॉपुलेशन से सैम्पल लेते हैं तो वो आपको पता है पूरी पॉपुलेशन को जो है उसके बारे में इंफ्रेंस ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम सैम्पलिंग कहते हैं, जो हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं कि पॉपुलेशन से सैम्पल ड्रॉ कर रहे होते हैं, उस प्रोसीजर को हम सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ इस पैराग्राफ में पैरामीटर की डेफिनेशन है, वो आपको पता है एनी न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है कैलकुलेट की जाती है पॉपुलेशन में उसको पैरामीटर कहते हैं, और जो सैंपल से कैलकुलेट की जाती है उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप इस पैराग्राफ में दो तीन हैं, ये देखने लिए। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। अब स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन की डेफिनेशन करें आप, चाहे जो आपको मैंने सिंपल पॉपुलेशन कराई आप वो भी कर सकते हैं। अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स गैदर इन एनिमेट और इनएनिमेट कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट और सम कॉल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन और कॉल सैम्पलिंग यूनिट और सिंपली यूनिट। ठीक है, ये भी डेफिनेशन आपने कर लेनी है, दो डेफिनेशन इस पैराग्राफ में भी हो गई आपकी। नेक्स्ट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये भी इसको भी देख लीजिएगा यहाँ। ठीक है, पॉपुलेशन बेसिकली मैंने आपको बता दिया जो है टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें जो है हर यूनिट जो है वो जो है सैम्पलिंग यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट, इसके बाद पॉपुलेशन आ जाती है दो तरह की, फाइनाइट पॉपुलेशन भी होती है और इनफाइनाइट, ये फर्दर पॉपुलेशन की डिवीजन आ गई। अब इसमें आप फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है, जो आप लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं जिसमें आप, ठीक है, वो या फिर काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल या अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे तो वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, जैसे कि इस पैराग्राफ में ही इस लाइन में इसकी डेफिनेशन गिवन है। द पॉपुलेशन ऑफ all students in a college, the population of all licensed motor drivers, the population of all horses in a country. ठीक है, ये सारे इसकी examples हैं finite population की। और infinite का क्या है कि आप जैसे number line पे, मैंने आपको पता है number line पे कितने आपके points होते हैं, तो उन जैसे कि मैंने आपको बताया था starting में 0 और 1 के दरमियान में भी कितने number होते हैं। इस तरह से infinite population वो होती है जिसको हम count नहीं कर सकते, uncountable। next, इसके बाद अब पॉपुलेशन ऑफ कॉन्क्रीट यूनिट्स सच एज ट्रीज, हाउस होल्ड, स्टूडेंट एक्सेट्रा इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट फर्दर डिवीजन आ गया आपके पास। एक उन्होंने कह दिया एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन होती है, और एक आपके पास हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन होती है। अब उसकी उन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन बता दी, जो आपकी ट्रीज, हाउस होल्ड, स्टूडेंट्स, जो इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं वो आपके एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन होगी। हाइपोथेटिकल वो होती है जैसे कि हमने कह दिया कि हमने जो कॉइन को टोस्ट किया या फिर जो है डाई को थ्रो किया, इस तरह जो एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल होती है, ये हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट, इसके बाद सैंपल और टारगेट पॉपुलेशन क्या है, ये भी पॉपुलेशन की फर्दर जो है डिवीजन आ गई, सैंपल पॉपुलेशन और टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन। अब सैंपल पॉपुलेशन क्या है, सैंपल पॉपुलेशन आपके पास वो होता है जो आप सैंपल चूज करते हैं, टारगेट पॉपुलेशन जिस जो आपका टारगेट था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डाटा कलेक्ट करना था एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में, प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में, पूरे पंजाब जो है पूरे प्रोविंस पंजाब से आपने डाटा लेना था। ठीक है, उसके हर सिटी में, हर अर्बन रूरल एरियाज में जो भी कॉलेज में, उन सबसे डाटा आपने लेना था।
अब ये फिजिबल नहीं है, इतना इसमें टाइम और रिसोर्सेज यूज़ होते हैं ज़्यादा कि हम ईच एंड एवरी यूनिट से डाटा लेते हैं, तो इसलिए वो इसकी जगह पे सैम्पल कर ले, सैम्पलिंग को जो है वो कर लेते हैं। तो आपका टारगेट पॉपुलेशन तो ये था कि आपने सारे जो है प्रोटीन्स के जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं उनसे डाटा लेना था। इसमें बेसिकली आपका टारगेट पॉपुलेशन तो वो हो गया जो सारे अर्बन रूरल एरियाज में कॉलेजेस हैं, लेकिन आपने सैम्पल उसमें से चंद 4 या 5 आप कॉलेजेस उसमें से कोई भी ले लेते हैं सैम्पल के तौर पर, तो आपका सैम्पल पॉपुलेशन होगा। टारगेट ये थे वो सारे थे। अब इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली बेसिकली इस एग्जाम्पल की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है उसके बाद आपके पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होता है, ये भी आपने जो है फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा हुआ। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस जो वेरिएबल होता है उसके मुताबिक इसकी पॉपुलेशन, और डिस्क्रीट इज द पॉपुलेशन इज डिस्क्रीट व्हेन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्राइजिंग द पॉपुलेशन इज काउंटेबल अदरवाइज कंटिन्यूस। ये आपको पता है जो आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स तो उनको आप कहते हैं डिस्क्रीट, और कंटिन्यूस वो जो पॉइंट्स में आता है डाटा, ठीक है, जैसे कि जिसको मेजर करते हैं। कंटिन्यूस में आप चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं यूजली, और काउंटेबल में डिस्क्रीट में काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ जो पीसीज, ये सारी चीज़ें आपके काउंटेबल होगी। कंटिन्यूस में ये कि आपकी हाइट वेट जो आप मेजर कर रहे होते हैं यूजली, इतना से आपका कंटिन्यूस वेरिएबल आ गया। नेक्स्ट है आपके पास पर्पस क्या है सैम्पलिंग का, ये बेसिक पर्पस, द बेसिक पर्पस ऑफ सैम्पलिंग क्या है। अब सैम्पलिंग का बेसिक पर्पस ये है कि आपको मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यानी कि आप थोड़े से सैम्पल का डाटा रहते हो उसकी बेस पे पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हो। तो बेसिक इसका पर्पस ये है कि द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द करैक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन विदाउट एग्जामिनिंग ईच एंड एवरी यूनिट, यानी कि हर यूनिट को एग्जामिन करने से के बजाय आप सैम्पल ले लेते हैं किसी भी पॉपुलेशन का, और वो जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रहा होता है सैम्पल की बेस पे। टू फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टीमेट ड्राइव फ्रॉम द सैम्पल वी फाइंड रिलायबिलिटी बाय कंप्यूटिंग द स्टैंडर्ड एरर। अब जो है रिलायबिलिटी के बारे में हमें बताते हैं, रिलायबिलिटी हम स्टैंडर्ड एरर के थ्रू मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। आपका इसका बेसिक एडवांटेज क्या है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिनिमम जो है रिसोर्सेज में। सेकेंड है इसका आपको रिलायबल रिजल्ट देता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग क्या है। अब ये फर्स्ट वाला है, इसकी हेडिंग अगर आप करेंगे ये पैराग्राफ पढ़ के तो इसकी आती है फर्स्ट की हेडिंग इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी किसकी हेडिंग आ जाती है अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे इसको ले सकते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी, और बाद में जो फर्दर उसको फर्दर जो है उसकी डिटेल लिखें। सैम्पलिंग सेव्स मनी एज इट इज मच चीपर टू कलेक्ट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्मॉल सैम्पल देन द होल पॉपुलेशन। आपको ये पता है कि सैम्पल जो है आपको इकोनॉमी किस लिए है कि आपकी मनी को सेव करता है, आपको जो है थोड़े से डाटा से आप थोड़े से जो है सैम्पल से पॉपुलेशन का जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हो, तो ये आपको इकोनॉमी इकोनॉमी है, यानी कि मनी इसमें सेव होती है। सैम्पलिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, इसकी हेडिंग हो जाएगी आपकी टाइम सेविंग एज नीडेड डाटा आर सिलेक्टेड कलेक्टेड एंड प्रोसेस मच फास्टर देन द सेंसस इंफॉर्मेशन। सेंसस आपका होता है मर्दमशुमारी, तमाम पॉपुलेशन से जो डाटा लेते हैं उसको आप सेंसस कहते हैं, और सैम्पल से जो डाटा लेते हैं उसको सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग आपका टाइम सेविंग होता है कि आपकी एनर्जी भी सेव करता है और टाइम भी सेव करता है, और ऊपर उसका फर्स्ट था कि इकोनॉमी से आपको मनी भी सेव करता है। थर्ड पे सैम्पलिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलमोस्ट एज एक्यूरेट एज दैट ऑब्टेन फ्रॉम कम्प्लीट सेंसस। इस थर्ड वाले की आपकी हेडिंग आ जाएगी एक्यूरेसी, ये आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसे कि जैसे कि पूरे कंप्लीट सेंसस की इन्फॉर्मेशन होती है बिल्कुल इसी तरह से। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ पॉइंट में है आपके पास सैम्पलिंग मेक्स इट पॉसिबल टू ऑब्टेन मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ द सैम्पल एज कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ फ्यू यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कि आपको मोर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, कंप्लीट और थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता है ये, ठीक है, ये भी इसका एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट इसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये फिजिबिलिटी आ जाता है, सैम्पलिंग एसेंशियल टू ऑब्टेनिंग द डाटा व्हेन द मेजरमेंट प्रोसेस फिजिकली डैमेजेस और डिस्ट्रॉय द सैम्पलिंग यूनिट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप लाइट बल्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि उनकी लाइफ टाइम कितनी है, तो कुछ बल्ब उसमें से ख़राब हो जाते हैं, तो आप लेकिन जो सैम्पल पूरी पॉपुलेशन से डील करने के बजाय उसमें से चंद एक सैम्पल लेके बता सकते हो कि उसकी लाइफ टाइम ड्यूरेशन इतनी है, तो आपके यूनिट अगर डिस्ट्रॉय भी हो गए हैं डैमेज भी हो गए हैं लेकिन आप उसमें से सैम्पल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये है बेसिकली कि आप जो है अगर कोई यूनिट डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन
मिल जाएगी बाकी रिमेनिंग यूनिट से. नेक्स्ट इसके बाद सिक्स, सैम्पलिंग मे बी ओनली मीन्स अवेलेबल फॉर ऑब्टेनिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन व्हेन द पॉपुलेशन अपीयर्स टू बी इनफाइनाइट और इनएक्सेसिबल सच एज पॉपुलेशन ऑफ माउंटेन्स और क्लिफ्स. ठीक है, ये यहाँ से इसको आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है, इसमें से वैसे आपने कोई चार पांच कर लीजिएगा, बाकी अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा. सैम्पलिंग हैज मच स्मॉलर नॉन रिस्पॉन्स. नॉन रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया था क्वेश्चनर में कि क्या होता है. नॉन रिस्पॉन्स होता है कि जो वो लोग जो आपको इंफॉर्मेशन ना दें, आप उनको ईमेल सेंड कर दें, क्वेश्चनर दे दें, वो आपको वापस ना करें. तो इस तरह से नॉन रिस्पॉन्स जो है इसमें स्मॉल होता है चांसेस, क्योंकि आपने सैंपल से डाटा लेना होता है या इसके कि तमाम पॉपुलेशन से ईच एंड एवरी यूनिट से नहीं लेना होता, इसलिए इसमें नॉन रिस्पॉन्स के चांसेस कम होते हैं. सैंपलिंग इज एक्सटेंसिवली यूज टू ऑब्टेन सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक्सटेंसिव है इसका, इसकी हेडिंग आ जाएगी. नेक्स्ट इसके बाद नाइन्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग इज दैट इट प्रोवाइड्स वैलिड मेजर ऑफ रिलायबिलिटी. मैंने आपको बताया कि रिलायबल रिजल्ट आपको देता है सैम्पलिंग. यहाँ तक आपने इसकी जो है तीन चार पॉइंट्स कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट आते हैं सैम्पल डिज़ाइन और सैम्पल फ्रेम. सैम्पल सर्वे क्या होता है? अब सैम्पल डिज़ाइन बेसिकली आपका जो है प्लान है या प्रोसीजर है, ये याद रखना. एक वर्ड भी अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो एक प्लान है, स्टैटिस्टिकल प्लान है. अ सैम्पल डिज़ाइन, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. अ सैम्पल डिज़ाइन इज अ डेफिनेट स्टैटिस्टिकल प्लान कंसर्न विद ऑल प्रिंसिपल स्टेप्स टेकन इन द सिलेक्शन और सैम्पल एंड देन एंड द एस्टिमेशन प्रोसीजर. एस्टिमेशन प्रोसीजर में जो आपका प्लान वो होता है, बेसिकली वो सैम्पल डिज़ाइन कहलाता है. सर्वे क्या होता है? जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो वो आपका सर्वे होता है. और सैम्पल सर्वे वो होगा जो आप सैम्पल के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. अब सैम्पल सर्वे, उन्होंने कहा कि सर्वे करते हुए आपके माइंड में ये ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. फर्स्ट ये कि आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई रिसर्च के लिए अपने डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा है या नहीं है. ये आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑब्जेक्टिव है डाटा कलेक्ट करने का, तो आपने सबसे पहले तो क्लियरली अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है. सेकेंड, आपने पॉपुलेशन लेनी है कि आप एस के स्टूडेंट से पॉपुलेशन ले रहे हो, डीसी से, यूएमटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ले रहे हो इन्फॉर्मेशन, वो आपकी पॉपुलेशन आपने क्लियरली डिफाइन करनी है. थर्ड में आपने सैम्पलिंग फ्रेम बनाना है. सैम्पलिंग फ्रेम होता है कम्प्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट्स. ठीक है, आपने कम्प्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट बना लेनी है. फोर्थ में आपने सैम्पल डिज़ाइन, यानी कि कौन सा प्रोसीजर आपने यूज़ करना है. सैम्पल डिज़ाइन एंड प्रॉपर सैम्पल साइज. ठीक है, यह आ जाएगा फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ में आ जाएगा रिलायबल फील्ड वर्क टू ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सर्वे डाटा आपने जो लेना है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एनालाइज द डाटा. आपने फिर डाटा को समराइज करना और कोई जो उस पर एनालिसिस लगता है वो लगाना. नेक्स्ट आ जाता है सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है. सैम्पलिंग फ्रेम मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि कम्प्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट, अगर आपको इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, कम्प्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट्स और अ मैप डेट कंटेन ऑल एंड सैम्पल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन. अगर आपकी क्लास जो है मैं उसको एज ए सैम्पल लेती हूँ तो वो ईच एंड एवरी यूनिट आपका जो बेसिकली पॉपुलेशन का सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगा. नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद द रिक्वायरमेंट ऑफ रीजनेबली गुड फ्रेम शुड बी नॉट कंटेन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी कम्प्लीट एंड एग्जॉस्टिव. ये सैम्पलिंग फ्रेम की ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो एक्यूरेट होना चाहिए, कम्प्लीट एग्जॉस्टिव होना चाहिए. नेक्स्ट, इसमें कोई एरर ओमिशन नहीं होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से ये वाली डेफिनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें हमारे यूनिट के आने के चांसेस क्या होते हैं, नॉन जीरो चांसेस होते हैं. नॉन जीरो का मतलब है कोई ना कोई उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी, वो जीरो वैल्यू नहीं होगी. सैम्पलिंग मेथड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नेक्स्ट इसके बाद आता है, मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, कि जिसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपकी इसकी दो बेसिकली जो है क्लासिफिकेशन हो जाती है सैम्पलिंग की. फर्दर उसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, व्हेन ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी of its being included in the sample. The sampling is said to be probability sampling. ये probability sampling की definition आपने कर लेनी है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत important है. और probability sampling की further जो types आ जाती हैं, इसमें आ जाता है simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling and systematic. अब इसमें यहाँ पर just आपके जो है ना stratified, cluster, systematic वगैरह की तो definitions हैं, understanding है, लेकिन simple random sampling के questions भी हैं जो SPSS पे आपने करते हैं.
Next is the advantage of probability sampling is that it provides valid estimate of sampling error. Probability sampling is widely used in various fields such as industry, agriculture, and business. Next आते हैं non-probability sampling, क्या है उसको non-random sampling भी कहते हैं. Is a process in which personal judgment. अब ये याद रखना, non-probability में क्या होता है? Personal judgment determines which unit of population are selected for random. फॉर एग्जाम्पल अगर देखें कोई आपका इंटरव्यू पैनल वगैरह है तो उसमें उसकी पर्सनल जजमेंट होगी जो इंटरव्यू कलेक्ट कर रहा होगा. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग उन केसेस में आती है जहाँ पर पर्सनल जजमेंट किसी की इन्वॉल्व हो जाए, एक तरह से फेवरेटिज्म आ जाए, तो उस केस में एक तरह से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी वो. और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो है जो आपको बेसिकली नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी के और इक्वल चांसेस हो हर यूनिट के आने के, लेकिन इसमें इक्वल आने के चांसेस नहीं होंगे, इसमें कोई फेवरेटिज्म हो सकती है, पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हो सकती है. नेक्स्ट इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है सैम्पलिंग विद और कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन दोनों, सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. मैं पहले आपको बताती हूँ विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, फिर इसके बाद इसकी जो है डेफिनेशन रीड करते हैं. अब देखें अगर आपके पास एक बैग है उसमें बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स की, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, उसमें से आपने सैम्पल सेलेक्ट करना हो, या आपकी पॉपुलेशन है ठीक है, इसके इन तीनों कलर्स की 10 बॉल्स हैं, आपने उसमें से सैम्पल लेना हो तो आप उसमें से सैंपल निकालेंगे. वो फॉर एग्जांपल आ गया रेड, आपने रेड वाले को नोट किया अपने जो है रजिस्टर पे कि ये रेड सैंपल आया, फिर दोबारा से उसको बैग में डाल दिया, फिर दोबारा से सैंपल सेलेक्ट किया, फिर नोट किया, तो वो हो सकता है वाइट आ गया, उसको नोट किया और वापस डाल दिया ठीक है. इस तरह से आप जो है सैंपल ड्रॉ करते जाते हैं और वापस डालते जाते हैं उसकी पॉपुलेशन में, इसको हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट ये होगा कि आपने एक यूनिट सेलेक्ट किया वो रेड आया तो आपने उसको नोट करके बाहर ही रख दिया, अंदर दोबारा बैग में नहीं डालना. फिर आपने जो है सैंपल लिया तो वो आ गया हो सकता है ब्लैक, उसको आपने लोड कर भी लिया और बाहर रख लिया, उसको दोबारा आप अंदर नहीं डालते हैं, तो ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट ठीक है. विद रिप्लेसमेंट में आपकी जो है पॉपुलेशन उतनी रहती है, आप यूनिट लोड करके दोबारा वापस रिप्लेस करते रहते हैं. विदाउट रिप्लेसमेंट में एक बार आप यूनिट सेलेक्ट कर लें उसको दोबारा रिप्लेस नहीं करते हैं. अब डेफिनेशन देख लेते हैं. सैंपल्स मे बी सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट. सैंपलिंग इज सेट टू बी विद रिप्लेसमेंट देन फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन सैम्पलिंग यूनिट इज ड्रॉन ठीक है. अगर आपने फाइनाइट पॉपुलेशन से सैम्पलिंग यूनिट ड्रॉ किया विद रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और आप यूनिट ड्रॉ किया उसको ऑब्जर्व किया ठीक है, ड्रॉ किया ऑब्जर्व किया एंड देन रिटर्न टू द पॉपुलेशन, और दोबारा पॉपुलेशन में अभी मैंने जैसे आपको बताया डाल दिया, तो ये हो गया आपका विद रिप्लेसमेंट. अब द पॉपुलेशन इन दिस केस रिमेन सेम. अब आपको मैंने बताया पॉपुलेशन सेम रहेगी, कम नहीं होगी, आप यूनिट नोट कर रहे हो वापस डाल दो यूनिट. सैम्पलिंग यूनिट माइट बी सिलेक्टेड मोर देन वंस, और आपको ये भी हो सकता है कि वो यूनिट दोबारा भी सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो दोबारा आप वापस उसमें डाल दो, हो सकता है दोबारा में भी वही यूनिट आ जाए. ऑन द अदर हैंड सैम्पलिंग यूनिट इज चूजन एंड नोट ठीक है, चूज किया आपने और नोट रिटर्न टू द पॉपुलेशन, उसको वापस पॉपुलेशन में नहीं डाला और उसको ऑब्जर्व किया और बाहर ही रहने दिया, तो ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट. इस केस में आपका जो है उस यूनिट के दोबारा आने के चांसेस भी नहीं है और पॉपुलेशन आपकी रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है ठीक है. इसको यहाँ पैराग्राफ में देख लीजिएगा और इसकी डेफिनेशन आपने करनी है. नेक्स्ट सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अक्सर 2-2 मार्क्स में आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बार बार कह रही हूँ. अ सैम्पल बीइंग ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट बी प्रेफरली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन. अब वो कह रहे हैं कि सैम्पल जो है पॉपुलेशन को 100% रिप्रेजेंट नहीं करता, एस्टिमेट देता है. जैसे कि अगर आपकी पॉपुलेशन की वैल्यू 100 आ रही है तो सैम्पल की वैल्यू हो सकता है कि 99.4 हो जाए या 99.45 हो जाए, एग्जैक्ट वो ना आए जो आपकी पॉपुलेशन का रिजल्ट आ रहा था. इस केस में उसमें एरर इन्वॉल्व हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस तो आ गया ना सैम्पल और पॉपुलेशन के रिजल्ट में, इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर, कि जो दोनों के दरमियान में डिफरेंस आता है पॉपुलेशन और सैम्पल के रिजल्ट के दरमियान में. दिस रिजल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ से इसकी डेफिनेशन, दिस रिजल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड द ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू का मतलब पॉपुलेशन की वैल्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर. सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर, जो आपके सैम्पल के रिजल्ट और पॉपुलेशन के रिजल्ट में डिफरेंस आ गया उसको आप कहते हैं सैम्पलिंग एरर, और उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं. ये आपने देख लेना, ये इसका फॉर्मूला हो गया इतना, क्योंकि एक्स बार सैम्पल का है और मीन पॉपुलेशन है, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आता है उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं. और नेक्स्ट ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एज अ सैम्पल साइज इंक्रीज, जैसे जैसे एन बड़ा होता जाएगा, यानी कि आपके पॉपुलेशन के यूनिट सैम्पल के यूनिट ज़्यादा होते जाएंगे, सैम्पलिंग एरर इज रिड्यूस, इस तरह से फिर आपका सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगा अगर आपके सैम्पलिंग यूनिट ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है.
जैसे कि आप 100 से 100 गर्ल्स से कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट और जो आप 200 से कलेक्ट करेंगे वो ज़्यादा करेक्ट होगा जो 200 से कलेक्ट किया है, ठीक है। तो जैसे जैसे सैम्पल इंक्रीज करता जाता है, आपका एज रिड्यूस होता जाता है, वो पॉपुलेशन को ओवरलैप करता जाता है रिजल्ट आपका। ये हो गया आपका सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट इसके बाद आता है नॉन सैम्पलिंग एरर। क्या होता है नॉन सैम्पलिंग एरर? वो होता है जो आपका ह्यूमन एरर होता है, या फिर आपका यहाँ से इसकी डेफिनेशन देख लें। Aside from the sampling error which is arise because the sample comprises only a portion of the population, there are errors which occur at the stages of gathering and processing of data regardless of whether the sample is of a complete census or taken. These errors are called non-sampling. जो आपको basically error होता है gathering और जो आप data collect कर रहे होते हैं उससे, या human error जो आपका होता है, ठीक है, उसको आप कहते हैं non-sampling error। जो कोई आप जैसे कि मैं उसको डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, आप लोगों की वेट ले रही हूँ, तो वेट नहीं हो सकता कि 58 हो, मैं उसको 60 काउंट करूँ, ठीक है, ह्यूमन एरर, यानी कि मैंने उसको काउंट गलत कर लिया, तो वो एक तरह से एरर हो गया। या फिर हो सकता है कि आपका वेट हो 58 लेकिन मशीन उसको 60 शो कर रही है, तो मैं 60 नोट कर दूँगी, ये हो गया मशीन का एरर। यानी कि नॉन सैम्पलिंग एरर में ह्यूमन एरर भी हो जाता है और मशीन वगैरह से भी जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उससे भी एरर आ जाता है, वो आपका नॉन सैम्पलिंग एरर कहलाता है। बाद आता है बायस। क्या होता है बायस? है बेसिकली ये भी एक तरह से एरर की एक फॉर्म है। इन सर्वे सैम्पलिंग द वर्ड बायस मीन अ सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ एरर, ठीक है, एक वर्ड में अगर डिफाइन करें इसको तो अ सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ एरर व्हिच डिप्राइव्स अ सर्वे रिजल्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेटिव। बायस इज अ डिफरेंट फ्रॉम द रैंडम एरर, ठीक है, डिफरेंट एरर से होता है इन द सेंस दैट रैंडम एरर्स बैलेंस आउट इन द लॉन्ग रन व्हाइल द बायस क्यूमुलेटिव, ठीक है। बायस ये याद रखना आपने, रैंडम एरर होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो बायस होता है वो ख़त्म नहीं होता बल्कि वो ज़्यादा ज़्यादा होता जाता है। सैम्पल साइज़ के इंक्रीज होने से वो आपके डाटा में ज़्यादा होता जाएगा। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सके, अपनी बात याद रखनी है कि जो एरर है रैंडम एरर वो कम हो जाता है, जैसे सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर कम हो सकता है, लेकिन बायस जो है वो क्यूमुलेटिव कलेक्ट होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है। नेक्स्ट बायस की जो है बेसिकली कैसे कैसे आ सकता है बायस? Deliberate selection, bias originated from deliberate selection which is selected which is based on the personal judgment, ठीक है, personal judgment के थ्रू वो आपके डाटा में आ सकता है। substitution, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई डाटा कलेक्ट करना हो तो आज वो नहीं आया जिससे मैंने डाटा कलेक्ट करना, उसकी जगह पर कोई substitute से डाटा ले लूँ तो substitution से भी डाटा अफेक्ट होता है। या फिर कोई इंटरव्यू हो रहा हो और उसमें कैंडिडेट्स जो बेसिकली अच्छा था उस सीट के लिए वो नहीं आया, उसकी जगह पे कोई और आया तो मैं कोई और सेलेक्ट कर लेती हूँ, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन से भी आपके रिजल्ट अफेक्ट होते हैं और बायस आता है। इनकम्प्लीट कवरेज बायस आल्सो इमर्ज व्हेन वी फेल टू कवर द होल ऑफ द सेलेक्टेड सैंपल। फॉर एग्जांपल वी सेलेक्ट अ सैंपल थ्रू मेल क्वेश्चनर टू गेट बायस सैंपल, ठीक है, इसमें वो कहने के नो रिस्पोंडेंट आने से भी आपकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, आपको वो डाटा वापस नहीं करते जितने लोगों से आपको सेलेक्ट करना था, तो उससे भी आपका बायस आता है। फैसिलिटी सिलेक्शन का मतलब आप जल्दी जल्दी किसी से भी इसको भी सिलेक्ट कर लें, इतना भी आपका एरर इन्वॉल्व हो जाता है डाटा में। नेक्स्ट इसके बाद आता है, यहाँ तक जो है इतना ये बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपको मैं टाइप्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ कि इसकी टाइप्स के हैं प्रोबेबिलिटी मोन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हो।